सोनभद्र के दुधी थाना क्षेत्र में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती का बयान और मेडिकल करवा कर लौट रही पुलिस की टीम पर अचानक भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ में शामिल महिलाओं ने पुलिस कर्मियों से जमकर मारपीट कर उनकी वर्दी फाड़ डाली। मामला यह था कि विडमगंज क्षेत्र की एक युवती घर से गायब थी। पुलिस ने उसको बरामद किया और उसका बयान जिला मजिस्ट्रेट से करवाया और उसको रॉबर्ट्सगंज में बालिक लड़की की इच्छा अनुसार नारी निकेतन में छोड़कर वापस दुधी थाना क्षेत्र के कस्बे में पहुंची। तभी लड़की के परिजनों ने भीड़ की शक्ल में पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। भीड़ में शामिल महिलाएं पुलिस कर्मियों को पीटते हुए दुधी थाने ले जाने लगी। किसी ने यह अफवाह फैला दी थी कि पुलिस के दरोगा ने लड़की के साथ अभद्रता की है और उनकी लड़की को बेच दिया है, जिससे परिजन आक्रोशित होकर लोगों को इकट्ठा कर पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने इस मामले में एक दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विडमगंज थाने में परिजनों की तहरीर के बाद युवती को बरामद किया गया और उसका मेडिकल और बयान कराया गया। पीड़ित बालिक थी और उसकी इच्छा अनुसार उसे नारी निकेतन में छोड़ा गया क्योंकि वह घर नहीं रहना चाहती थी। एसपी ने बताया कि लड़की के घर वाले लड़की को कब्जे में लेना चाहते थे। जब उन्हें लड़की नहीं मिली तो उन्होंने अफवाह फैलाई कि दरोगा ने लड़की के साथ अभद्रता की है और उसको किसी को बेच दिया गया है। इसी को लेकर परिजनों ने ग्रामीणों को साथ लेकर पुलिस पर हमला बोल दिया। कुछ देर के लिए माहौल बिगड़ गया था। बाद में पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया और भीड़ के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं पीड़िता द्वारा बताया गया कि मैं 19 साल की हूं और बालिक हूं। मैं अपनी मर्जी से शादी की हूं। मुझे और मेरे पति को मेरे माता पिता से खतरा है। महिला पुलिस द्वारा मेरा मेडिकल कराया गया। नारी निकेतन में मैं अपनी सहमति से आई हूं। मुझे पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और ना ही कोई जोर जबरदस्ती की गई है। मेरी उम्र 19 साल की है। मैं बालिक हूँ। मैं अपनी मर्जी से शादी की। महिला पुलिस द्वारा मेरी मेडिकल करवाने गया था और मेरे पति को मेरे पर खतरा डाल रहे हैं। जबरदस्ती खतरा डाल रहे हैं। मैं नारी निकेतन में अपनी मर्जी से हूँ आई हूँ। मेरे पुलिस वाले कोई जोर जबरदस्ती मेरे साथ नहीं किए हैं। मैं अपने समय में नारी निकेतन में मैं खुश हूँ। पुलिस के द्वारा कैसा व्यवहार हुआ? अच्छा व्यवहार हुआ। कोई छेड़खानी, कोई जोर जबरदस्ती, कोई कुछ नहीं बोले। अच्छा व्यवहार किए हैं मेरे साथ। पुलिस के काम से खुश हैं? हम पुलिस के काम से खुश हैं। यहाँ पे ना कप्तान बैठते हैं, एसपी। उठ गए थे ना हम लोग जाते हैं 2 बजे के बाद उठ जाते हैं उन लोग ना। अभी यहाँ पर हैं, यहाँ पे हैं। एक मामला विंडमगंज थाने में लिखा गया था अंडर सेक्शन 363-366 IPC, जिसमें एक पीड़िता लड़की को बरामद किया गया था। उसका मेडिकल के उपरांत उसकी 164 धारा में कोर्ट में बयान करने के लिए उसको ले जाया जा रहा था, जहां से पीड़िता जो है बालिग होने के कारण उसका इच्छा अनुसार उसका कहना था कि उसके घर वालों को अगर सौंप दिया जाता है तो उसको जान के लिए खतरा है और मारपीट होने का अंदेशा है। वो घर नहीं जाना चाहती थी। तो जो संबंधित दरोगा थे, विवेचक थे, उनके द्वारा रॉबर्टगंज नारी निकेतन में पीड़िता को छोड़ा गया और उसके बाद वो वापस दुधी अपने ड्यूटी में जा रहे थे। जो उसके घर वाले थे वो चाहते थे कि किसी तरह ज़बरदस्ती से उस महिला को अपने पास रखा जाए। तो जब वो वापस दुधी पहुँच रहे थे तो कुछ लोकल अपने घर के और परिवार के लोगों को इकट्ठा करके मेले के पास जब गाड़ी पहुँची तो उनको वहाँ पर उनके साथ अभद्रता की गई। उनका उद्देश्य ये था कि वो लड़की को उनके कब्जे में दिया जाए और इस हेतु उन्होंने वहाँ एक झूठी अफवाह फैलाई कि दरोगा ने उस लड़की के साथ अभद्रता की है और उसको कहीं ले जाकर बेच दिया है। बेचने के उपरांत वो आ रहे हैं। ऐसी झूठी अफवाह में वहाँ के लोग भी भ्रमित हो गए और वहाँ का माहौल कुछ देर के लिए बिगड़ गया। पुलिस तुरंत वहाँ मौके पर पहुँची है। दरोगा को उन्होंने सुरक्षित कर लिया और जितने भी वहाँ इस तरीके के महिलाएं और कुछ पुरुष थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।